अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9th से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 करेंगे और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में इसके बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे 1 से लेकर 10 तक आपको डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं और इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब है इनके अंदर जो वैल्यूज अननोन है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। और 1 से लेकर 10 तक सारे पार्ट्स में आप देख सकते हैं आपको एक्स ही वेरिएबल नजर आ रहा है, इसका मतलब है आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। हम इन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालेंगे पहले और उसको बाद में वेरीफाई भी करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन एग्जैक्ट बनता है या नहीं। एग्जैक्ट बनने से मुराद मेरा ये है कि हम अपने क्वेश्चन को, अपने सोल्यूशन को अपने वापस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे, सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको सोल्यूशन सेट का पार्ट बना लेंगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 को। तो देखिए, ये मैंने पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आती हैं जिसमें फ्रैक्शंस आपके पास इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ हमें एलसीएम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे और जो आपके पास एलसीएम आएगा उसको हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास अननोन है, ये ईजिली आप निकाल पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, और इस साइड पर कुछ भी नहीं है। आपने सबका एलसीएम लेना, जितनी भी यहाँ पर फ्रैक्शंस होंगी उन सबके एलसीएम की बात कर रहा हूं। तो 3 और 2 सिर्फ यहां पे मौजूद है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आप 1 लिख भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदरवाइज सिर्फ 3 और 2 का ही आपने एलसीएम लेना है। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 और 2। आपको पता है दोनों ही प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम 6 आएगा। लेकिन आप ये वाला आपको मेथड भी प्रॉपरली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स प्राइम नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से एलसीएम निकालना पड़ता है। 3 और 2, हम पहले कोशिश तो यही करनी होती है कि दोनों ये नंबर किसी एक नंबर पर डिवाइड हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर हम इनमें से कोई एक चूज़ करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सबको डिवाइड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 3 और 2 में से मैं 2 चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों किसी सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर है। तो मैं अगर 2 को लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 3 को मुझे वैसे उतारना पड़ता है। जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते नंबर, उसको आप वैसे उतारते हैं। अब आप देखें, अब 3 रह गया आपके पास, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 1 टाइम्स 3, क्योंकि 3 3 पे ही डिवाइड होता है। और अब इस वाले 1 को भी आपने वैसे ही उतार लेना है। तो जब आपके पास नीचे 1 1 आ जाता है, इसका मतलब है अब जो यहाँ पे नंबर्स हैं इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6। इसका मतलब है आपके पास एलसीएम 6 आया है। तो जो आपके पास एलसीएम आएगा आपने वो मल्टीप्लाई करा देना है दोनों साइड पर हर टर्म के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 6, क्योंकि हमने 6 फाइंड आउट किया है, तो इसको लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। ये आपने दोनों साइड्स पर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो देखें, पहली टर्म है x-3 / 3, तो आप 6 इससे भी मल्टीप्लाई करवा दें इस तरीके से। तो 6 × x-3/3, माइनस का साइन डालें। अब x-2/2 है, इसके साथ भी आप 6 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 6 × x-2/2, और जो लास्ट में यहाँ पे टर्म बची हुई है -1, इसके साथ भी आप 6 मल्टीप्लाई करा दें इस तरीके से, 6 × -1। ओके, अब आप इनको सॉल्व करें। देखिए, यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है, यानी 2 बचा है ऊपर और ये मल्टीप्लाई होगा पूरे x-3 से, जिसको आप लिखेंगे 2, यही मल्टीप्लाई होगा किससे, x-3 से, माइनस का साइन। इधर 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा आगे वाली जो पूरी एक्सप्रेशन है, यानी x-2 से। और यहाँ पे 6 को आप डायरेक्ट ही -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव है। जब कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो साइन नेगेटिव का आता है, और 6 × 1 कितना होता है, वो होता है 6, यानी 6 को -1 से करने से -6 आ जाएगा। अब इनको फर्दर सॉल्व करें, 2 को x से करें तो आपके पास आएगा 2x, 2 को 3 से करें तो आपके पास आएगा 6।
इधर माइनस थ्री की बारी है, माइनस थ्री को आप एक्स से करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस थ्री एक्स, और बाहर माइनस का साइन अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से सिक्स आएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा नेगेटिव सिक्स। अब आप एक्स वाली टर्म्स को अलहदा कर लें और कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को अलहदा कर लें, क्योंकि आपने फाइंड ही एक्स की वैल्यूज़ करनी है, तो जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है हम उसको अलहदा करते हैं और बाकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें टू एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ये माइनस थ्री एक्स है, इसको इसके आगे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखें ये माइनस सिक्स है और प्लस सिक्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस कितना होता है, वो होता है माइनस, यानी सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो, तो एक तरह का माइनस सिक्स और प्लस सिक्स तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा माइनस सिक्स। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये है टू माइनस थ्री, तो बेसिकली ये टू पॉजिटिव का है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब है आपने माइनस करना है। तो तरीका क्या है, आप थ्री में से टू को माइनस कर दें तो आपके पास जस्ट एक्स आएगा, यानी आप इसको वन एक्स भी लिख सकते हैं, इसका मतलब वन एक्स ही होता है, और साइन बड़ी वैल्यू को आएगा तो थ्री बड़ी वैल्यू है इसमें, उसके पीछे माइनस है तो आप भी यहाँ पर माइनस लगा लें और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव सिक्स। अब जब यहाँ तक आपने लिख लिया तो ये जो नेगेटिव होता है ये बेसिकली आप इसको आप इस तरह समझ लिया करें कि ये नेगेटिव वन नहीं होता है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे ये स्टेप नेसेसरी नहीं है लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो तो वो ये चीज़ अच्छे से समझ पाए। तो ये नेगेटिव वन ही होता है इसका मतलब। तो नेगेटिव वन आप देखें एक तरह का एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको दूसरी तरह मूव करेंगे तो ये सिक्स से जाके यानी नेगेटिव सिक्स से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नेगेटिव नेगेटिव एक तरह कैंसिल हो जाएगा और सिक्स डिवाइडेड बाई वन हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिक्स ही लिख सकते हैं, इसका आंसर सिक्स ही होता है। तो देखिए ये मैंने इसका सोल्यूशन सेट के तौर पे यानी सॉल्यूशन के तौर पे निकाल लिया है x इक्वल टू सिक्स। अब हमने ये भी कंफर्म करना है कि ये इसका वाकई में सॉल्यूशन है या नहीं। अब ये मैं वाकई में सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं जो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई आंसर मिलेगा, लेकिन जब वो आंसर वापस आप अपनी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो जिस इक्वेशन से निकाले जाते हैं वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिवाय एक तरह के सॉल्यूशन के जिसको हम एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस बोलते हैं, जो कि आपको आंसर के तौर पर मिलते हैं लेकिन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमने यहाँ पे इसकी चेकिंग भी करके दिखानी है, क्योंकि बुक में भी ये मेंशन है कि आप जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपने इनको चेक भी करना है कि ये वाली वैल्यूज आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये वाली वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं और ये सेटिस्फाई कर गई, सेटिस्फाई करने का मतलब है पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये उसका सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे। अगर नहीं आई तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, उसको या तो एम्प्टी सेट लिखेंगे या फिर चेकआउट भी करेंगे कि हमने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं करी। तो यही आपके लिए भी सजेशन है कि अगर आप इसको पुट कर लें और आप कोई सेटिस्फाई ना कर रहे हो तो आपने एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना है। अक्सर ऐसा भी होता है स्टूडेंट के साथ कि उनका उनकी वैल्यू ही उन्होंने गलत निकाली होती है और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती और वो उसको एक्सट्रेनियस रूट समझ लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो देखें आपके सामने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है दोबारा से। अब आपने जो वैल्यू निकाली हुई है वो निकाली है x इक्वल टू सिक्स, जो आपको अभी ऊपर इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे मिली है, हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो करना क्या है, आपने अपनी वैल्यू को दोनों साइड्स की पे पुट करना है, जहाँ जहाँ पे आपको x नजर आएगा और आपकी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, यानी इसको सेटिस्फाई कर गई है। अगर इक्वल नहीं आती तो ये उसका सोल्यूशन सेट के तौर पर नहीं लिखी जाएगी। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन है, वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करके करते हैं सॉल्व, लेकिन यहाँ पर आप देखें राइट साइड पर आपके पास कुछ भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू पुट होनी नहीं है, तो पुट होनी है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करूंगा चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिख लेता हूँ, वो क्या है, वो है एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। तो एक्स की वैल्यू सिक्स आई है, आप इसमें पुट कर दें, यहाँ पर एक्स की जगह पर सिक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, और यहाँ पर भी आपके पास सिक्स एक्स की जगह पे माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। तो सिक्स माइनस थ्री कितना होता है वो आपको पता है थ्री होता है, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा थ्री वैसे का वैसे। इधर सिक्स माइनस टू कितना होता है वो आपको पता है फोर होता है, और नीचे आपके पास आ जाएगा टू वैसे का वैसे। थ्री थ्री से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर जस्ट बचेगा वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, वन टाइम्स टू, टू टू टाइम्स फोर, और यहाँ पर आ जाएगा टू। और आप देखें वन माइनस टू कितना होता है, ये प्लस का है बेसिकली, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का तो टू बड़ी वैल्यू, उसके पीछे क्या आ जाएगा माइनस वन। तो देखिए ये नेगेटिव वन कहाँ पे लिखा हुआ था, नेगेटिव वन तो आपके राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ था, इसका मतलब है आपने लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू किया और जो आपका आंसर आया वो किसके इक्वल आया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो जब ऐसा हो जाए कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के, ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद जो आपने ऊपर इक्वेशन में निकाली होगी, इसका मतलब
में आपने सोल्यूशन ठीक निकाला है तो ये इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। कौन सी वैल्यू? ये जो अभी आपने निकाली थी x इज इक्वल टू 6। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर जो वैल्यू आपको लिखनी चाहिए वो कौन सी है, वो है 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे हम इसके बाकी सोल्यूशंस के साथ।